एसएसबी के वॉलंटियर्स हैं जो नौकरी और पेंशन मांग को लेकर के पूरे देश में 11 साल से संघर्षरत हैं। पिछले 4 दिनों से यहाँ पर धरना चल रहा था, आज 5वां दिन है धरने का, और ये लोग जो है नौकरी और पेंशन की मांग कर रहे हैं। ये लोग देश की सीमाओं पर रहने वाले वो लोग हैं जिन्हें भारत सरकार ने कभी विदेशी शत्रुओं से निपटने के लिए छापामार युद्ध का जो प्रशिक्षण दिया था, और इनसे उम्मीद की गई थी कि जब अगर कोई पाकिस्तान, चीन, कोई भी विदेशी ताकत हमारे देश के अंदर हमला करेगी उस समय ये सेना की सहायता करेंगे, अगर सेना पीछे होगी अग्रिम पंक्ति के रूप में विदेशियों से लड़ेंगे, और अगर किसी कारण से हमारी सेना हार जाती है, पीछे हट जाती है 1962 की तरह छापा मार युद्ध कर दुश्मन देश को अपनी धरती से खरीदने का काम करेंगे। 1963 से लेकर के 2002 तक इन्होंने एसएसबी के साथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, लेकिन 2002 में इनकी भूमिका को ख़त्म कर दिया गया, एसएसबी में सीधी भर्ती चालू कर दी गई और इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया गया। तब से लेकर के आज तक हम लगातार मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने 1963 से लेकर 2002 तक एसएसबी के साथ खुफिया कार्य किया और देश को ये वचन दिया कि सीमा पर हम किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हथियार से प्रशिक्षित हैं, उनको एकाएक 2002 में अलग क्यों किया गया, और हमारी मांग है कि जो नौकरी योग्य लोग हैं उनको नौकरी मिले, जो नौकरी योग्य नहीं हैं उन्हें सम्मानजनक पेंशन अथवा एक मुश्त वन टाइम सेटलमेंट की व्यवस्था उनके लिए। हाँ, कई बार दिया गया है। हमारे सुशील कुमार शिंदे, उससे पहले शिवराज पाटिल से लेके राजनाथ सिंह तक हर गृह मंत्री से हमारी बात हुई है, गृह मंत्रालय स्तर पर रहने को बैठकें हुई हैं, हमारे बारे में एसएसबी द्वारा एक योजना प्रस्ताव भी बनाया गया है और हमारी गणना भी भारत सरकार ने करा ली है, हमारा वेरिफिकेशन करा लिया गया है 2015 में, उसके बावजूद आगे की कार्रवाई रुकी हुई है, और हम चाहते हैं कि जब गिनती हो गई है, वेरिफिकेशन हो गया है, तुरंत गुरीलों को नौकरी और पेंशन दिए जाने पर विचार करे केंद्र सरकार। अगला कदम हमारा ये होगा, हम पूरे 17 राज्यों में उग्र आंदोलन करने वाले हैं और जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ चुनाव के हिसाब से भी जो पार्टी या जो संगठन हमारी मदद नहीं करेंगे उनको जीत हार में तब्दील करने के लिए भी हम रणनीति बना रहे हैं।